चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। ऐसा ऐसा टेक्निक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिससे आप आने वाले एग्जाम में रगड़ के रख दोगे। क्या कर दोगे? रगड़ के रख दोगे। एग्जाम में अगर आपने सारे सवाल बनाने हैं, हमारा लेक्चर वन से लेके आखिरी लेक्चर तक बैक टू बैक आपको मिलेगा और उसे आपको देखना है। देखना ही नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी चीजें आपको यहाँ बताई जाएगी, जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, सारे सारे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आने वाले एग्जाम में 100% गारंटी है जो आपके इस टॉपिक से सवाल नहीं छूटेंगे। क्या नहीं छूटेंगे? सवाल नहीं छूटेंगे। कब नहीं छूटेंगे? जब आप जितनी टेक्निक बताई जाए उसको आप एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे और अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम अपना बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक परसेंटेज। हिंदी वाले बच्चों को बता दे, इसका हिंदी होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। हिंदी इतना प्यारा वर्ड है, हिंदी में ही हमारा इसका मीनिंग छुपा हुआ है। परसेंटेज का हिंदी प्रतिशत होता है। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, और सत मतलब सौ। मतलब प्रति सौ के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? प्रति सौ के बारे में बात हो रहा है। आपको अब कभी भी दिखेगा परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है प्रति सौ। क्या रखेंगे यार? परसेंटेज का मतलब प्रति सौ। ये रामबाण है आपको। क्या है? रामबाण है। इस चीज को आप जब भी देखें परसेंटेज, आप उसको समझे क्या है? एक बटा सौ। क्या समझेंगे आप? एक बटा सौ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हैं तो आप इजीली परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यूं कहें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमारे पास किसी ने कहा 20%, 20 और क्या है साथ में? प्रतिशत। तो 20 में प्रतिशत का मतलब कितना बताया सर आपने? एक बटा सौ। क्या बताया सर आपने? एक बटा सौ। आपने इसे लिख दिया, कितना आ गया? एक बटा पांच। ये हो गया प्रतिशत से किसमें बदल गया? फ्रैक्शन में बदल गया। एक क्वेश्चन का आंसर आप आज के बाद बिना कुछ याद करे कर सकते हैं। जो किसी भी कॉन्सेप्ट में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, क्या पूछेगा? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करेंगे? बहुत बच्चे याद रखते हैं, आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है? एक बटा सौ। क्या होता है? एक बटा सौ। आप मुझे सर कोई भी परसेंटेज देंगे, सपोज कीजिए हमने 33% दे दिया, इसे कह रहा है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। हम कुछ नहीं करेंगे सर, 33 को 33 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब कितना होता है? एक बटा सौ। हम इसे क्या लिख देंगे? 33/100। तो ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? 33/100। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इसको क्या बोल दिए? फ्रैक्शन। और ये हमारा क्या था? प्रतिशत। सर ये परसेंटेज में था और ये हमारा किसमें है? फ्रैक्शन में है। तो ये हमारा क्या बन गया? प्रतिशत से फ्रैक्शन में कन्वर्जन। तो अब आपको अगर एक सवाल और दें जो सर 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जल्दी जल्दी कीजिए, 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कर लिया, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 25 × 1/100, तो 25 × 100 1/4 आया। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ये जो चीजें थी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो सर परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, वहां से हमने सीख लिया जो किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कितना इजी हो गया, कितना इजी हो गया। अगर आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया जो परसेंटेज का मतलब 1/100 है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, क्या कह रहा है? फ्रैक्शन टू किसमें बदलना है आपको? प्रतिशत में। फ्रैक्शन टू किसमें बदलना है? प्रतिशत में। देखिए बहुत बच्चों को पता होगा लेकिन आज से रटने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सीखा है सर प्रतिशत का मतलब होता है 1/100।
प्रतिशत का मतलब क्या होता है? एक बटा सौ। अगर हम जानते हैं प्रतिशत का मतलब एक बटा सौ होता है, तो यहाँ से बहुत बच्चे कैलकुलेशन जानते हैं। हम देखिए तो वन मतलब क्या बोल सकते हैं सर? सौ प्रतिशत। वन का मतलब क्या हो गया? सौ प्रतिशत। देख लीजिए जिनको भी दिक्कत है, तो सर वन आप सौ को उधर लेके चले गए, वन का मतलब क्या हो गया? सौ प्रतिशत। देखिए किसी को डाउट है बताइए, वन का मतलब सौ प्रतिशत। अब आपको कोई भी फ्रैक्शन देगा तो अब देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे बिना रटे बिना कुछ किए। देखिए अगर हमें बोल दिया 2/5 को एक फ्रैक्शन क्या है, 2/5 एक फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में। सर देखो कहीं कुछ नहीं करेंगे, हर जगह जानते हैं भगवान प्रेजेंट है, मतलब 1% है, हर जगह हमको 1 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है 2/5 × 1 का मतलब अभी हमने सीखा 100%। देखिए 1 मतलब भगवान है, हर जगह प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ भी प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट है। 1 आपको क्या है? हर जगह प्रेजेंट है। इसका मतलब आप यहाँ से देख लेंगे तो सर यहाँ से 2/5 का मतलब हो गया 40%। कोई चीज याद नहीं रखना है, याद रखना है भगवान क्या है? हर जगह प्रेजेंट है। 1 क्या है? हर जगह प्रेजेंट है। आपको 100% वहां पे आपको रख देना है। तो आप जैसे ही रखेंगे किसमें कन्वर्ट कर लिया आपने? प्रतिशत में कन्वर्ट कर लिया। किससे? फ्रैक्शन से। सर ये हमारा फ्रैक्शन था, ये हमारा फ्रैक्शन था, और ये हमारा क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कितना इजी हो गया। चलो सर अभी समझ नहीं आया फिर से अगला सवाल दो। चलो सर जी 3/5 है, फटाफट करना स्टार्ट करो। 3/5 है, यहाँ भी क्या होगा? भगवान प्रेजेंट है, मतलब सर 1% है, और 1 का मतलब क्या हुआ सर? 100% प्रेजेंट है सर। 3/5 × 100 सर आप देखो यहाँ भी कितना हो गया? 60%। 3/5 का मतलब सर 60%। तो आज के बाद अगर कभी भी आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करो? परसेंटेज में। अभी CHSL वालों का पेपर है, जिनको भी पेपर देना है वो छोटी छोटी बातों का एक मोटा किताब बनाए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको कभी भी बोला जाए फ्रैक्शन से प्रतिशत बनाओ कितना आसान हो गया, इससे पहले आपने पढ़ा प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाओ कितना इजी था। इसी तरह से आप चीजों को अगर समझते जाते हैं आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का है। आप बस कॉन्सेप्ट की मोटी किताब बनाइए और उसे जितना पढ़ सकते हैं जितना रिवाइज कर सकते हैं करिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब लेकर के आपके सामने डेली आएंगे। चलिए सर जी ये हम समझ गए। चलो सर तो अच्छा सवाल दो, कुछ हार्ड करो सवाल को। हाँ जी सर, तो हम 3/5 × 1/5 इसको क्या बोलते हैं सर? मिक्स फ्रैक्शन। अब समझो जिसको नहीं पता है मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, क्या नहीं पता है मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है, मिक्स मतलब क्या होता है? मिलावट। मिक्स मतलब क्या होता है? मिलावट। जिनको मिलावट के बारे में याद रहेगा, किसके बारे में? मिलावट के बारे में। हर कोई मिलावट करता है, दूध में पानी बाकी और चीज जानते ही हैं आप लोग, तो मिलावट के बारे में जान रहे। यहाँ मिलावट है, किस तरह का मिलावट है? तो दो चीजों का मिलावट है सर। एक क्या है? 3 जो है इंटीजर है। 3 क्या है? इंटीजर है। और 1/5 क्या है? फ्रैक्शन है। 1/5 क्या है? फ्रैक्शन है। जो ये मिलावट समझ गया, क्या समझ गया? मिलावट। क्या क्या मिलावट है? इंटीजर का, इंटीजर कितना है? 3। फ्रैक्शन कितना है? 1/5। इसका मतलब सर आप 3/1/5 को जब चाहो आप लिख सकते हो 3+1/5। 3+1/5 कौन रोक रहा है लिखने से? आप लिखो, आप एक बार में लिखो, और इस चीज को कितनी बार भी आएगा एग्जाम में, सवाल में, कैलकुलेशन में आए, आप इसको जरूर सोचो। बहुत बच्चे ये करते हैं सर 5 × 15 और 1 16/5, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है, इससे क्या है टाइम बचेगा और अपना स्पीड फास्ट होगा। अब सर बताओ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कितना आसान हो गया। सर भगवान हर जगह प्रेजेंट है, इसका मतलब 1 हर जगह प्रेजेंट है। देखो सर जी 1 हर जगह प्रेजेंट है, 3 × 1 = 3 होता है सर, 1/5 × 1/5 होता है। तो सर अगर हम समझ रहे हैं इसका मतलब है 3 × 100% + 1/5 × 100%। तो सर कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया आपने? तो सर 300% + 20%।
तो सर आंसर कितना आ गया 320%। कितना सवाल में आंसर आ गया सर जी? हमारा आंसर आ गया सर 3 पूर्णांक 1/5 का मतलब 320%। एक जरा सा भी प्रेशर नहीं लेना है। क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज करो। पहले जो सर सवाल को टफ करा, फिर से एक बार सवाल टफ करके दिखाओ सर जी। मान लो सर जी हमारे पास ये सवाल है, क्या है? 7 पूर्णांक 1/3। 7 पूर्णांक 1/3। देखो सवाल को आप देखते ही इसके आंसर बताना सीख जाओ। चलो सर जी एक और सवाल बताओ, थोड़ा मुश्किल सा सवाल हो। सर आपके पास सवाल है 8 पूर्णांक 3/5। क्या सवाल दे दिया सर आपने? 8 पूर्णांक 3/5। बहुत बच्चा क्या करेगा, 8 × 40 × 3 = 43 / 45 फिर कन्वर्ट करेगा। अपने को इतना रमाइन नहीं करना सर जी, अपने को पता है 8 का मतलब हो गया 800%, क्योंकि 8 मतलब इंटीजर का 8 है, इंटीजर का 8 है। एक बार मैं और लिख दिखा देता हूँ, 8 + 3/5। आपको ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में मिलावट है। मिलावट का मतलब 8 एक इंटीजर है, 3/5 एक फ्रैक्शन है। दोनों को क्या करा? अलग अलग लिख दिया। क्या करा? अलग अलग कर दिया। अब सर हम 8 को लिख सकते हैं 800%, क्योंकि भगवान हर जगह प्रेजेंट है, 1 हर जगह प्रेजेंट है। तो 3/5 को भी सर लिख दो। 3/5 का मतलब अभी कुछ देर पहले भी हमने पढ़ा था 60% होता है सर। तो हम देख लेते हैं सर 80% + 60%, तो सर आंसर हो गया 860%। सारा कैलकुलेशन माइंड में करना है, मैं करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये सारे स्टेप आपको माइंड में करना है। तो 3/5 मतलब 60%, 8 मतलब 800%। एक बार में हमारे पास आंसर आएगा 860%। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट करो। समझ में नहीं आता वापस बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे हम बात करके आपको सॉल्यूशन देंगे। आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, हर डाउट को यहाँ सॉल्व करेंगे। सर आपको किसी ने सवाल दे दिया, बताओ 0.14 को सर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो सर कौन सा फंसाने वाली बात कर रहे हो, क्यों इसमें फंसेंगे हम लोग? सर इतना सवाल, छोटा सवाल मेरे को मत दिया करो सर जी। इसको लिख सकते हैं 14/100, क्यों नहीं लिख सकते सर जी? और हम जानते हैं भगवान हर जगह प्रेजेंट है, 100% हर जगह प्रेजेंट है सर जी। इसका मतलब 14% आंसर हो गया सर जी। बताओ क्या था सवाल में? क्या था सवाल में? डायरेक्ट हमें बस डराने के लिए दिया, दशमलव डाल दिया, मिक्स फ्रैक्शन डाल दिया, फ्रैक्शन डाल दिया। हम डरने वालों में से नहीं है। अगर सवाल पूछ देता कोई अचानक से, कोई 100 की जगह और सवाल पूछ दे, बताओ 3 को परसेंटेज में क्या होगा? भाई साहब डर गए सवाल से। तो 3 को परसेंटेज में बताना है, 3 × 1 = 300%। लो भाई आराम से डर जाओ, सवाल का आंसर तुम्हारे पास है। क्या मिल गया? सवाल का आंसर मिल गया। ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलना है। टॉपिक का ये स्टार्टिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रामबाण है, आगे बहुत काम आने वाला है। जो क्या इसका मतलब होता है, एक छोटा सा सवाल, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। सवाल बनाइए, डाउट आता है नीचे कमेंट में डालिए या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।